हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। सो आज मैं आपके साथ में अगेन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करने आई हूँ, जो कि है रिगार्डिंग आपके पैसे को लेकर। आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं, कौन नहीं चाहता ऐसी रेमेडी। सो नो, वास्तुशास्त्र में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है जो कि आपका लॉकर। आप अपने घर में अपने पैसे कहाँ पर रखते हैं, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। एज़ पर वास्तु, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कहा जाता है कि नो आपके घर में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी और बेस्ट कॉर्नर माना जाता है लॉकर के लिए, वो है साउथ वेस्ट का कॉर्नर। पहले रूल सुन लीजिए, फिर हम रूल्स को कैसे कस्टमाइज़ कर भी बेनिफिट्स ले सकते हैं, मैं वो भी ज़रूर बताऊँगी। सो नो, सबसे पहले आपका लॉकर होना चाहिए आपके घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। उसके बाद में उस साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपका लॉकर, और जब आप अपना लॉकर खोलें एज अ डोर या एज अ ड्रॉवर, तो वो खुलना चाहिए टूवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो हो गया, तो ये तो डायरेक्शंस की बात होगी। अब मान लीजिए आपके घर के साउथ वेस्ट में बाथरूम आता है, घर के साउथ वेस्ट में किचन आता है, तो क्या करें? फिर कहते हैं कि आपका जो कमरे का साउथ वेस्ट, आप वहाँ पर रख लें। अब कमरे के भी साउथ वेस्ट में आपको दिशा नहीं मिल रही, तो क्या करें? सो अगेन, आप क्या कर सकते हैं कि आपका लॉकर मान लीजिए आपने साउथ के सेंटर में रख लिया, नॉर्थ में रख लिया, जहाँ मर्जी आपको जगह मिल गई आपने रख ली, वहाँ पर रखने के बाद में इतनी कोशिश करें कि जब आपका ड्रॉअर खुलता है वो नॉर्थ या ईस्ट की दिशा में ऐसे खुले। वो उसका कारण ये होता है कि जब आपके यू नो जब आप अपना ड्रॉअर खोलते हैं, तो कुबेर या सूर्यदेव की नॉर्थ या ईस्ट की दीवार की दृष्टि आपके लॉकर में पड़े, तो उसमें बरकत आती है। अगेन, किसी भी रीजंस की वजह से अब आप ना ड्रॉअर ऐसे खोल सकते हैं जहाँ नॉर्थ या ईस्ट देख सके, ना आप उसको साउथ वेस्ट में रख सकते, भैया कुछ भी नहीं कर सकते, घर में यही दिशा है, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं, तो क्या करें? फिर आपने क्या करना है, जो जो मैंने आपको बताया इसमें से आप जितना भी पॉसिबल रेमेडी कर सकते हैं कीजिए, और उससे आप अपने ड्रॉवर्स रख लीजिए, लॉकर बना लीजिए। अगर नहीं बन सकता तो क्या करें, एक छोटा सा पिगी बैंक लेकर आएँ, उस पिगी बैंक में आप ना अपने जैसे भी थोड़े बहुत पैसे रख लें, और उसको आप अपने घर के या अपने बेडरूम के, कोई तो आपको साउथ वेस्ट मिल ही जाएगा, वहाँ पर आप एटलीस्ट पैसे जमा करें एज अ पिगी बैंक में। एंड नो, वहाँ पर थोड़े थोड़े पैसे डालते रहा करें, बहुत अच्छा होगा। अगर वो पिगी बैंक गोल्डन कलर का हो, या एटलीस्ट वाइट कलर का हो, या उसमें कुछ गोल्डन हो, यू नो, या चलो मैं स्टिल कहूँगी लाइट कलर्स चूज़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यू नो मरून रेड सजेस्टेड नहीं होता है। सो आप लाइट कलर्स चूज़ करें, अच्छा माना जाएगा। अब मान लीजिए आपका लॉकर तो हो गया सेट, आपको साउथ वेस्ट भी मिल गया, आपने जैसे जैसे मैंने कहा डायरेक्शन भी बना लिया। अब लॉकर के अंदर ऐसा क्या करें जिससे यू नो बड़ी अच्छी बरकत आए? तो कहते हैं आप लॉकर में एक सबसे अच्छा उपाय करें। सबसे पहली चीज़, लॉकर के अंदर में आप आराम से ना लाल कपड़ा बिछा लें। उस लाल कपड़े के ऊपर आप अपने धन संपत्ति, जो भी आपकी ज्वेलरीज हैं, जो भी आपका पैसा है, वो आप रखें, वो अच्छा माना जाता है, तो इससे बहुत अच्छी बरकत आती है। आप अंदर कोई भी चांदी का सिक्का भी रख सकते हो, तो आपके लिए अच्छा माना। तो लाल कपड़ा बिछाना बहुत ज़रूरी है आपके लॉकर के अंदर, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम हम तो लॉकर रखते ही नहीं, हम तो घर में कैश ही नहीं रखते, तो क्या करें? सो अगेन, उनके लिए रेमेडी मानी जाती है कि आप वही सेम चीज़ करें जैसे कि मैंने कहा, कि आप अपने छोटा सा पिगी बैंक ले रहे और उस पिगी बैंक में अपने रखें। जैसे कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपके प्रॉपर्टी आपके पास रहे, आपकी ये चीज़ आपके पास हमेशा रहे, आपके पास जो ज़िंदगी भर चीज़ रहे, वो ऐसे आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, आपके कोई भी कागजात हो गए दुकान के, जो भी, वो भी आप साउथ वेस्ट में रखें, तो वो भी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ में कहते हैं कि वो कोई ना कोई शुभ चीज़ ज़रूर रखें। अब जैसे कि कहते हैं कच्ची हल्दी का टुकड़ा आता है, यू नो, वो भी आप सुपारी या कच्ची हल्दी भी ज़रूर रखें, वो एक शुभ एक साइन होता है, वो रखें। आप अपने लॉकर के अंदर में स्वास्तिक का एक सिंबल लगा सकते हैं, आप ओम का सिंबल लगा सकते हैं, तो ऐसे प्योरीफाई करें। एंड हफ्ते में एक बार, या चलो महीने में एक बार ज़रूर वहाँ पर आप यू नो अगरबत्ती करें, वहाँ पर पूजा करें, वो लॉकर के अंदर आप चैंटिंग लगा कर रखें, मंत्रास लगा के रखें, तो इससे आपके लॉकर के अंदर की एनर्जी एनर्जाइज होती रहती है, धन एनर्जाइज होता रहता है। तो ऑफकोर्स जब पॉजिटिविटी आती है, तो अपने आप वो आपके लिए लाइफ में ना मनी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी मदद करता है। सो यस अगेन, ये वन ऑफ द इजीएस्ट एंड बेस्ट रेमेडीज़ है, लॉकर को कैसे रखें, कहाँ रखें, किस दिशा में रखें, तो बड़ा अच्छा माना जाता है, तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। अब यंगस्टर्स जो हैं, आजकल का ज़माना तो जीपे का हो चुका है, तो क्या कर सकते हैं? सो यस, कई बार हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि नो अगर आप यू नो पीजी में रहते हैं,
सिंगल रहते हैं, आपके पास जगह ही नहीं है, तो एटलीस्ट जो आपका बेड भी होता है या आपका स्टडी टेबल भी होता है, जो भी आपके पास आपकी स्पेस है, उसी स्पेस का साउथ वेस्ट कॉर्नर ढूंढें। वहाँ पर आप कोई भी पिगी बैंक रख दें, वो भी चीज़ आपके लिए काम करेगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स ला के देगी। तो वो अगेन वो भी बड़ा ही शुभ माना जाता है आपके लिए। सो यस, ये छोटी छोटी कुछ अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं जो आप इन्हों ईजिली अपने घर में फॉलो कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।